मन के सवाल में आज का प्रश्न सुनने के बाद मुझे एक गीत की पंक्ति याद आ गई। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। बहुत ही मासूम सवाल है, सरल सवाल, कोई पेचीदा प्रश्न नहीं है यह। जिन्होंने पूछा है बहुत सरल भाव से पूछा है, प्रश्नकर्ता के स्वर से ही आप जान जाएंगे कि उनके पूछने में कितना भोलापन है, कितनी सरलता है। बात आगे चलाएंगे बाद में, पहले प्रश्नकर्ता का प्रश्न सुन लेते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरी आप बातें सुनिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं दुर्गा जी की ज़्यादा पूजा करती हूँ और मैं उनसे ही अपने दुख सुख सारी परेशानियाँ शेयर करती हूँ। मेरी परेशानी ये है कि मेरी इतनी पूजा करने के बाद भी मेरे बच्चे को ना स्थायी नौकरी मिल रही है, ना मेरी घर की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। तो मैं, मेरी पूजा में कोई खोट है या मेरे मन के अंदर से माता जी सुनना नहीं चाहती हैं? आखिर क्या बात है कि मैं हर बात माँ से कहती हूँ। कुछ भी करने के पहले मैं माँ से ही सलाह लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं कुछ भी करती हूँ तो उनसे कहीं कागज़ में टीका या कुछ भी लगा के उनकी सहमति से ही मैं सब करना चाहती हूँ, फिर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता है। कृपया इसका समाधान करिए आप। इस प्रश्न को सुनने के बाद मैंने एक गीत की पंक्ति दोहराई थी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। कारण था उसका एक विशेष, क्योंकि इस प्रश्न को सुनने के बाद एक वर्ग ऐसा भी है जो बेहद नाराज हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, मैं नाराज नहीं हूं इस प्रश्न से, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो इस प्रश्न से नाराज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी यह मान्यता है कि भगवान कोई हमारा उपकरण नहीं है, कोई एक डिवाइस नहीं है जो हमारी डिमांड्स पूरी करे, कि हम भगवान से कहें कि देख हम तेरी इतनी पूजा कर रहे हैं और इसके बदले तुझे हमें ये देना पड़ेगा। तो ये कोई सौदेबाजी वाला मामला नहीं है और यह वर्ग भगवान से कुछ भी मांगने के पक्ष में नहीं है। वह कहता है मांगना तो कुछ है ही नहीं, मांग उठी नहीं कि पूजा नष्ट हुई नहीं। तो यह वर्ग इस प्रश्न को सुनकर नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, मैं इस प्रश्न से नाराज नहीं हूं, हैरान हूं मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। अब परेशान किस लिए हूं? इनके लिए परेशान हूं, इन जैसे भक्तों के लिए परेशान हूँ जो ये सोचते हैं कि हम इतनी अधिक भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, इतनी अधिक, उसके बाद भी वह निष्ठुर, वह विपरीत, वह निर्मोही, वह निर्लेप देख ही नहीं रहा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, देखता नहीं वो कि हम कितने बुरे हालातों में जी रहे हैं। उसके अपने भक्त और उन पर वह दया दृष्टि नहीं करता। यहां एक छोटी सी बात मैं बताऊं, स्वामी विवेकानंद अपने समय के
सबसे अधिक मेधावी विद्यार्थी थे, बहुत अधिक पढ़े लिखे और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको एक क्लर्क की भी नौकरी नहीं मिली। सोच सकते हैं आप, इतना प्रतिभाशाली युवक जो किसके साथ रह रहा है, उसके साथ रह रहा है जिसे प्रतिपल मां के साक्षात दर्शन होते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी, उनके साथ। आप तो कह रही हैं कि आप मां की इतनी पूजा करती हैं, आप तो पूजा करती हैं ना। और स्वामी विवेकानंद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जिनके साथ रहते रहे, उनके सामने तो साक्षात मां प्रकट होती थी, हर समय होती थी, और उन्हें जीवन में क्लर्क तक की नौकरी नहीं मिली। परिवार बेहद गरीबी में जीता था, बेहद। और रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन कहा कि कैसा ना समझ है रे तू, माँ जगदम्बा सामने है और तू इधर उधर भीख मांगता फिरता है, जा अंदर जा और मांग ले माँ से जो मांगना है, मैं देखता हूँ तुझे। अपने परिवार की निर्धनता के कारण तू कितना व्याकुल रहता है, तो जा, मैं साक्षी हूँ, माँ भीतर प्रकट होंगी, जो तुझे मांगना है मांग लेना। अब सोचिए, आप सोचिए, यदि कोई सिद्ध पुरुष आपसे कहते कि जाओ भीतर, परमात्मा प्रकट होंगे और मांग लेना जो मांगना है, क्या कीजिएगा? क्या मांगेंगे आप भगवान से? कि मेरे बच्चे को कहीं की क्लर्की दिलवा दे, कहीं का चपड़ासी बनवा दे, या कहीं का अफसर बनवा दे, बस इतना ही मांगेंगे? और भक्तों को तो परमात्मा ने क्या क्या नहीं देना चाहा, कहा कि मांग, तुझे पूरी दुनिया का साम्राज्य दे देता हूँ। भक्त प्रहलाद ने कहा नहीं चाहिए, नचिकेता ने कहा नहीं चाहिए, ध्रुव ने कहा नहीं चाहिए, विभीषण ने कहा नहीं चाहिए, इत्यादि बहुत हैं, बहुत हैं, कमी नहीं है, बहुत हैं जिन्होंने कहा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो विवेकानंद जाते हैं भीतर, माँ के सम्मुख खड़े होते हैं, माँ मुस्कुरा रही है, और विवेकानंद से मांगा नहीं गया, बिन मांगे लौट आए। रामकृष्ण पूछते हैं क्यों रे, मांग आया? विवेकानंद कहते हैं मुझसे मांगा नहीं गया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अच्छा, जा एक बार फिर चला जा, फिर जा, फिर से मांग ले। जाते हैं विवेकानंद भीतर, फिर खड़े होते हैं माँ के सामने, माँ फिर मुस्कुराती हैं, और विवेकानंद कुछ नहीं मांग पाते, कुछ भी नहीं। फिर बाहर आते हैं, रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं क्यों रे, अब तो मांगाया होगा? विवेकानंद कहते हैं नहीं, अब भी मुझसे नहीं मांगा गया, सोचा कि माँ के सामने क्या ये तुच्छ चीज़ें मांग, बहुत तुच्छ जान पड़े, ये नौकरी, ये पैसा, ये धन दौलत, ये सारी चीज़ें, ऐशो आराम, लगा कि इतनी तुच्छ चीज़ मांगूंगा माँ के आगे, तो मुझसे मांगा ना गया ये। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जा, तेरे परिवार को मोटे अन्न और मोटे वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा। तो ये जीवन में थोड़ा सा ध्यान दें कि परमात्मा मोटा अन्न और मोटा वस्त्र दे दे, इतना तो दे ही रहा होगा,
काफी है, काफी है इतना मोटा अन्न उसे कहते हैं जो गरीब लोग खाते हैं, जैसे चावल, मोटा चावल। अब अमीर आदमी मोटा चावल थोड़ी ना खाएगा, मोटा चावल सबसे सस्ता चावल होता है। मोटा कपड़ा, खद्दर का कपड़ा, सूती कपड़ा सबसे सस्ता होता है। तो सस्ती चीज़ों का अभाव नहीं होगा, दो ही चीज़ तो मुख्य हैं, अन्न और वस्त्र, और ये दोनों चीज़ें यदि मिल जाएं, तो फिर तो रामकृष्ण परमहंस ने ये वरदान दे दिया विवेकानंद को कि तू चिंता ना कर, इन दोनों वस्तुओं का तेरे परिवार को अभाव नहीं होगा, तू ईश्वर भक्ति में लगा रहे। अब भगवान कृष्ण भी बार बार पूरे संसार को समझा रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र केवल कर्म करने का है। आपने यदि पूजन का कर्म किया तो यह अपनी आत्मा के विकास के लिए किया। यहाँ दो बातें होती हैं, एक व्यक्ति पूजन करता है कि उसे सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करना है, अपनी मनोकामना पूरी करवानी है, उसे अपने आध्यात्मिक विकास से कोई लेना देना नहीं होता, इसे सकाम भक्ति कहते हैं, कामना के साथ की गई। एक होती है निष्काम भक्ति, तो जो निष्काम भक्ति वाले हैं वे सकाम भक्ति को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, नीची दृष्टि से, लेकिन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा की अपनी यात्रा है, उसकी यात्रा के तल हैं, पड़ाव हैं। एक जीवात्मा यदि उस तल पर है, उस पड़ाव पर है जहाँ वह सकाम भक्ति कर रही है, तो इसमें उसका क्या दोष? एक व्यक्ति कहता है कि मुझे सिर्फ अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, खाना मिल जाए, मैं इसके लिए भगवान की पूजा करता हूँ, ये सकाम भक्ति कि भगवान मुझे ये सब दें। तो ठीक है, वह सकाम के तल पर है अभी, तो जिस स्टेप पर जो खड़ा है वहीं उसी स्टेप से ही तो वो भगवान को देखेगा ना। जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत तिन देखही तैसी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो अस्तित्व है विराट, इसका एक अपना ही गणित है, और वह गणित इस धरती के गणित से बिल्कुल मेल नहीं खाता, वो बड़ा बेबूझ गणित है। वहाँ पर एक और एक दो नहीं हैं, वहाँ पर एक और एक 11 भी हो जाते हैं, और होते ही 11 हैं वहाँ पर। बड़ी अनोखी गणना है वहाँ की। तो वहीं के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम केवल कर्म करो, फल देना या ना देना ये तो मेरी इच्छा है ना, और मेरी इच्छा में भी तुम हस्तक्षेप करोगे तो स्वयं दुख पाओगे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है कि आपकी पूजा परमात्मा सुन क्यों नहीं रहा, नहीं, इस बात को तो बिल्कुल ही निकाल देना है। परमात्मा बिन बोले भी सुनता है। आप तो बोल रही हैं, आप ना भी बोलें तब भी वह सुन रहा है। उसे कब किसे क्या देना है यह कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। और जब कोई नहीं जानता तो कितना बेहतर होगा कि हम भक्ति का ही मज़ा लें, उसके नाम में ही डूबें, उस परम पिता के जो अमृत से भरी एक स्मृति है, जो उसका ध्यान है, क्यों ना उसी में लवलीन हो जाए, उसी में डूबा रहे व्यक्ति। काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, भला से मेरी, लेकिन मैं अपनी भक्ति को क्यों बाधित करूं? तो राम जी के सामने बैठकर यह कहना कि राम जी आपने अभी तक मेरा काम नहीं बनाया,
या माँ जगदम्बे, मैं कब से तेरे आगे जोत जला रही हूँ और तूने मेरे घर में चांदना नहीं किया। मैं तो तेरे आगे चांदना करती हूँ, तू नहीं कर रही। तो इन शिकायतों के करने में जो भक्ति का रस है ना, वह फीका पड़ जाता है। उस रस को फीका न पड़ने दें, उसकी मिठास को बनाए रखें। और मिठास को बनाए रखने का यही एक तरीका है, यही एक तरीका कि जो जीवन के कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उनकी मांग ना उठाई जाए। क्योंकि मांग वहाँ उठाई जाती है जहाँ कोई जानता ना हो। यहाँ तो वे सब कुछ जानते हैं। पांडव कितने दुख में रहे, भगवान साथ थे, साथ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि हे कृष्ण, हमें हमारी खोई हुई धन संपदा दिला दो। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हम इतने कष्ट में जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, कभी नहीं कहा। बस वे तो कृष्ण के ध्यान में ही लीन रहते थे, कृष्ण के ध्यान में। उनका छिन गया है, खो गया है, लूट लिया गया है, इसका कभी उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया। भक्ति का जो वास्तविक सुफल है वह तभी मिलता है जब हम अपनी इन आकांक्षाओं को नीचे गिरा देते हैं, एक तरफ रख दी सारी आकांक्षाएं। बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, घर के कोई और बिगड़े हुए काम नहीं बन रहे, गरीबी है, ये सब सांसारिक समस्याएं हैं। और इन सांसारिक समस्याओं का निपटारा राम जी यथासमय कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। बस थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और जब राम के पास बैठ गए, जब जगत जननी सीता माता के पास सिर झुका दिया, तो फिर इनसे ये छोटी छोटी बातें क्या कहनी, ये तो बिन कहे पूरी होती हैं। ये जो फरमाइशें हैं ये बिन कही पूरी होने वाली कैटेगरी की हैं। और जिसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वो जैसे तुलसीदास जी बार बार एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। यही प्रार्थना की, बस आप मेरे हृदय में आकर विराज जाइए। आप बजाय कि हम बच्चे की नौकरी मांगे, क्यों ना ये मांगने की, हे जगत जननी माँ, तू आ मेरे हृदय में निवास कर। और जहाँ वो जगदम्बा निवास करेगी, महामाई के तो भंडारे भरे हुए हैं। कहते हैं ना कि जब महाराज जनक के यहाँ सीता जी जैसे ही गई, उन्होंने जैसे ही उसे गोद में लिया, तो शिरध्वज जनक का साम्राज्य ऐसा समृद्ध हुआ कि इंद्र का भी फीका पड़ने लगा। स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र, स्वर्ग जहाँ सब वैभव है, उसकी नगरी भी फीकी पड़ गई। जहाँ जगत जननी माँ जगदम्बा होंगी, वहाँ भंडारे कभी खाली हो सकते हैं क्या? तो बेहतर है कि माँ का ही आह्वान किया जाए, कहा जाए कि हे माँ, मेरे हृदय में विराज। और जब भवानी हृदय में विराजेंगे, कोई अभाव रहेगा क्या? हैं? अरे मांगो तो ऐसी चीज़ तो मांगो ना जिसके मांगने के बाद कुछ मांगना रह ही नहीं जाए। क्या बच्चे की नौकरी मांगना, आज नौकरी मांग ली कल छूट भी सकती है, आज लॉटरी मांग ली लॉटरी निकल गई कल बर्बाद भी हो सकती है, क्या मांगना? ये तो बिन मांगे मिलने वाली चीज़ें हैं। मांगा जाए तो यही
मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसो हूँ राम सी मानस मोरे। तो ये सूत्र है आज, गहरा सूत्र इस सरल से प्रश्न, इस मासूम सवाल से निकला है कि सीता राम जी को ही कहिए कि हमारे हृदय में आकर विराज जाए, और वे आ गए तो सब आ गया, फिर सब आ गया। राम राम।